हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लोक आयुक्त। लोकपाल के जो लेसन है मैंने इसके पहले कंप्लीट कर दिए। लोकपाल की नियुक्ति कैसे, शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है, लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप देखिए, आज हम लोक आयुक्त, जैसे कि लोकपाल जो होता है केंद्र सरकार में काम करता है, लोक आयुक्त राज्यों के लिए होता है, यानी हर राज्य का एक अपना अपना लोक आयुक्त होगा, तो उसी लोक आयुक्त के बारे में बात करेंगे। तो लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 में, 2013 के नाम से है और जनवरी 2014 में बन के लागू हुआ। तो जब 14 में लागू हुआ तो इसमें व्यवस्था की गई थी कि 365 दिन के अंदर राज्यों में लोक आयुक्त का गठन किया जाएगा। इसमें बोला गया था कि 365 दिनों के अंदर राज्यों में लोक आयुक्त का गठन होगा और इसके कार्य क्या होंगे, उनका निर्धारण, कार्य किस तरह के होंगे, क्या प्रोसेस होगी राज्यों के द्वारा। तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी हर राज्य के लोकायुक्त में हो सकता है क्योंकि कार्य की प्रकृति का निर्धारण राज्यों के ऊपर छोड़ा गया, तो उस आधार पे जैसे कार्यकाल अंतर हो सकता है, ओके, किसको लोकायुक्त के दायरे में लाना है किसको नहीं लाना है, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो क्योंकि वो राज्यों के ऊपर छोड़ा गया था। तो लोकपाल आप देखिए पहले और आज लोकायुक्त के बारे में आप डिटेल से देखेंगे। तो पहला है कि लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन कैसे करेगा, एक चयन समिति बनेगी, उस चयन समिति द्वारा नाम सुझाव किया जाएगा कि लोक आयुक्त किसको बनाना है, ठीक है। अब उस चयन समिति में कौन होगा, जो नियुक्ति की सिफारिश करेगी, तो उस चयन समिति में होगा मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है तो जिस भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वो नामित करेंगे उनकी जगह वो हो जाएगा। चार ये हो गए। अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो राज्यपाल नामित करेगा, यानी जो जानकार या अनुभवी प्रशासन के क्षेत्र में, उसका इस टाइप का आप समझ सकते हैं, न्यायिक क्षेत्र का जैसा भी हो, एक व्यक्ति होगा। इन इन सब की समिति से, पांच लोगों की समिति होगी, ये समिति फिर सिफारिश करेगी एक व्यक्ति को, तो उनमें से एक अध्यक्ष बनेगा, बाकी सदस्य को चयन किया जाएगा। तो कौन लोग चयन करेंगे, पांच लोग चयन करेंगे, फिर राज्यपाल को सिफारिश करेंगे, राज्यपाल फिर नियुक्त करेगा। तो आप लोग, ये लोक आयुक्त, लोकपाल के लिए यहाँ कौन था, प्रधानमंत्री था, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष था, यहाँ पे लोकसभा में विपक्ष का नेता, हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो उसे, ठीक है। अब इसमें होगा कौन कौन, संरचना कैसी होगी, तो एक अध्यक्ष और आठ सदस्य। अब जो एक अध्यक्ष है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं या अन्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है जिसकी भी सिफारिश करेंगे, और आठ, मैक्सिमम आठ सदस्य हो सकते हैं। उन आठ सदस्यों में चार यानी 50% न्यायिक क्षेत्र से होंगे और चार में से ST, SC, OBC और महिला होंगी। तो इस तरह से संरचना है, नियुक्ति हो गई, संरचना हो गई, बिल्कुल सेम है। अभी लोकपाल में भी यही हमने पढ़ा था, वेतन भत्ते सेवा संबंधी जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह होगा। तो कहने का मतलब ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष है, जब ये हाई, तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है हाई कोर्ट के साथ, या फिर एक अन्य, जो देखिए ये संवैधानिक पद है नहीं, न्यायालय जो होता है संवैधानिक है, ये न्यायालय के तुलना में न्यायालय की तरह इसको शक्तियां मिल रही है, वेतन भत्ते सुविधाएं मिल रही है, लेकिन है तो ये अलग, ये संवैधानिक नहीं, न्यायालय संवैधानिक है, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति के लिए भी संभावनाएं की जाती हैं इससे, ठीक है। तो ये आलोचनाओं में हम बात करेंगे। इसका कार्यकाल 5 या 65 जो पहले हो जाए, लेकिन कुछ राज्यों में 3 वर्ष भी है, क्योंकि अपन ने देखा है कि ये राज्यों पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सी शक्तियां कितने कार्यकाल रखना है, ठीक है। तो 5 या 65 या कुछ राज्यों में 3 वर्ष भी। लोकायुक्त नियुक्ति की शर्तें क्या है, देखिए, एक न्यायिक सदस्य की हम जो बात कर रहे थे, ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, न्यायिक सदस्य की जो हम बात कर रहे थे कि न्यायिक सदस्य, ठीक है। अन्य सदस्य कौन कौन है, विषय विशेषज्ञ प्राप्त हो, जैसे सतर्कता, बीमा, बैंकिंग, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, अन्य कोई भी समाज सेवा, जो कहने का मतलब भ्रष्टाचार को कम करने में जो प्रशासनिक जांच पड़ताल में जो सहायक हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो एक अध्यक्ष और सदस्य, यानी अपने ये पढ़ा ना कि न्यायिक क्षेत्र से भी होना चाहिए और इस कैटेगरी को भी ध्यान में रखना है, एक तरह से आरक्षण टाइप में, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सदस्य कौन नहीं बन सकता, अभी हमने देखा संरचना कैसी है, नियुक्ति में चयन समिति कौन कौन होता है, अब बात करेंगे हम कि इसका सदस्य कौन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी इसके लिए एलिजिबल कौन नहीं है। तो MP यानी सांसद, विधायक,
पंचायतों के सदस्य, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जो भी है, वो नहीं शामिल हो सकते इसमें। नौकरी से निकाला हुआ कोई व्यक्ति, जो सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी लोकपाल सदस्य नहीं बन सकता। भ्रष्टाचार का दोषी पाया हुआ व्यक्ति, क्यों? क्योंकि इसका काम ही भ्रष्टाचार रोकना है, तो उसे भी नहीं शामिल कर सकते। 45 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भी नहीं शामिल हो सकता, और जो विश्वास या लाभ का पद धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी शामिल नहीं किया जा सकता। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोकपाल में शामिल नहीं हो सकता। तो ये वो क्राइटेरिया है जो राज्यपाल, जो लोक आयुक्त नहीं बन सकते, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, लिखने को आ सकता है। इसके बाद लोक आयुक्त की शक्तियां क्या है, तो इसको दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। एक तरह से दीवानी न्यायालय का ही काम करेगा। राज्य जांच की एजेंसी में सहायता, यानी राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे सहायता ले सकेगा। जैसे इसका खुद का अपना कोई जांच संगठन नहीं होता, ना इसकी कोई खुद की लोक आयुक्त की कोई खुद की जांच एजेंसी होती है। इसको यदि जांच कराना है किसी मामले को, तो राज्य की ही जांच एजेंसी से जांच करवानी पड़ेगी, तो राज्य उसके लिए मना नहीं करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। जांच एजेंसी की निरीक्षण, जिस जांच एजेंसी से करवा रहा है जांच, उसका उसके ऊपर निरीक्षण रखेगा, उसको आदेश दे सकता है, या यदि कहीं जरूरत है जांच के दौरान तलाशी लेने की, दस्तावेज मांगने की, जब्त करने की, तो वो सारे काम लोक आयुक्त को, मतलब ये सारी चीजें हैं जो उसको जांच में सहायक होंगी, वो दस्तावेज मांग सकता है, जब्त कर सकता है, तलाशी कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कि दीवानी न्यायालय, जांच एजेंसियों से सहायता, वार्षिक प्रतिवेदन, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई उसकी शक्ति। अब बात करें कि लोकायुक्त के अधिकार या क्षेत्राधिकार क्या है, या कार्य भी आप बोल सकते हो। तो भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, उसकी जांच कर सकता है या जांच करवा सकता है जांच एजेंसियों से, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यदि जांच कर सकता है, जांच करवा सकता है, तो वह मामला जो वर्तमान में सीएम और पूर्व सीएम से संबंधित है, ऐसा कोई यदि मामला है जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है या पहले जो मुख्यमंत्री रहा है उनसे संबंधित जांच कर सकता है, या कोई अभी मंत्री है या पहले मंत्री रहा है उससे संबंधित कोई मामला है उसको जांच कर सकता है। विधानसभा के सदस्यों को भी, उनके ऊपर भी कोई है तो जांच कर सकता है। राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर सकता है। राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित या वित्त पोषित संस्थाओं की भी जांच कर सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसी संस्था जैसे अनुदान मिलता है, सरकार के नियंत्रण में है और भ्रष्टाचार का दोषी करार किया गया है, शिकायत आई है, तो उसके बारे में भी ये जांच कर सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? यानी चाहे आज सीएम हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे आज मंत्री हो, चाहे पहले रहा हो, कोई विधानसभा सदस्य या अन्य सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के सबके ऊपर जांच कर सकेगा। अब जांच की क्या क्या इसको कैसे जांच के तरीके क्या है, तो जब शुरुआती जांच करना है लोकायुक्त के, तो इसके लिए एक जांच शाखा का गठन करेगा, ब्रांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की नियुक्ति करेगा, और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को ये काम सौंप सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का क्या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है। तो क्या करेगा वो, तत्कालिक प्राइमरी जांच करनी है तो इसके लिए उसने गठन किया और किसी अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी, और वो कर्मचारी जो भी जिसको सौंप रहा है वो राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन भी अधिकारियों या जितनी भी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है लोकायुक्त को, वो राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? राज्य सरकार ये लिखा है आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएगी। जांच गोपनीय रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि सबको बता के जांच होगी, नहीं तो उसका परिणाम ही नहीं निकलेगा। तो जांच गोपनीय रहेगी। व्यक्ति की शिकायत स्वयं, कोई व्यक्ति यदि शिकायत करना चाहता है तो खुद कर सकता है, डाक के द्वारा कर सकता है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कुछ राज्यों में दंड की भी व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है और नुकसान भी। क्यों? क्योंकि यदि किसी को संदेह है और कोई शिकायत करता है, तो हो सकता है ना प्रूफ हो पाए तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, यदि ये व्यवस्था नहीं करते तो लोग हमेशा झूठी शिकायत भी कर सकते हैं। कार्रवाई का प्रतिवेदन, अब जो साल भर जितनी भी इसने कार्यवाही की या सरकार को सिफारिश की, उसका प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा और राज्यपाल विधानसभा में रखेगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इतनी अभी हमने जो आज कवर किया, लोकायुक्त का गठन, संरचना, नियुक्ति, अधिकार और जांच कैसे करेगा, ये सारे मुद्दों पे बात की। अगला देखेंगे कि लोकायुक्त में क्या आलोचना होती है, क्या कमियां हैं, और हम इनको ठीक करने के लिए सुझाव क्या दे सकते हैं, ये हमारा अगले लेसन में होगा। तो आप इसको ठीक से कर लीजिए, ओके? और लोकपाल अभी आपने नहीं किया तो इसके पहले के लेसन में आप उसको भी तैयार करिए। ओके, थैंक यू।